हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है फीडिंग ट्यूब कैसे डालते हैं। फुल डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में। रेडी हो गए हैंड ग्लव्स पहनकर। यह है फीडिंग ट्यूब, इसे राइस ट्यूब भी कहते हैं। यह है जाइलूटिन जेली जो फीडिंग ट्यूब के ऊपर लगाएंगे, जिससे वो चिकनी हो जाती है और आसानी से नसल केविटी ग्रास नली से होते हुए आमाशय तक पहुंच जाती है। तो अभी तक आप इस YouTube चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नए वीडियो आने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रोसेस स्टार्ट कर गई। ट्यूब डालते समय पेशेंट को तकलीफ होती है, धीरे धीरे डालना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ये ट्यूब फेफड़ों में चले जाती है या मुंह में आ जाती है अंदर से मुड़कर, तो इसको चेक करना चाहिए। अगर पेशेंट को मुंह खुलवा के चेक करेंगे मुंह में तो नहीं आई, नहीं आई मुंह में, धीरे धीरे डालना चाहिए। थोड़ी सी और डालेंगे, बस इतनी डालेंगे, इतनी ही बार रहती है। अब चेक करेंगे कि प्रॉपर रूप से ट्यूब अंदर पहुंची या आमाशय में या नहीं पहुंची। तो इसके लिए हमको स्टेथोस्कोप चाहिए, जिसे कान में लगाएंगे और ये पेट पे रखेंगे जहाँ आमाशय प्रेजेंट होता है अंदर साइड, और राइस ट्यूब से सिरिंज के थ्रू एयर पुश करेंगे, मीन्स हवा डालेंगे अंदर। हवा अंदर जाएगी तो अपने को आवाज़ आती है अंदर से। एक बार डबल से करो, यस आवाज़ आ रही है, मतलब सही ढंग से लग चुकी है ट्यूब। इसे हम हाथ रख के भी फील कर सकते हैं। चलो करते हैं, हवा पुश करते हैं, किए साउंड आता है इससे भी। यस सही रूप से लग चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में ट्रेकियोस्टोमी के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। ट्रेकियोस्टोमी के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।